जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जो अंतिम खाते होते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इस सीरीज में हम शॉर्ट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और इसमें हमने पहली वीडियो में ट्रेडिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं उसकी प्रॉब्लम भी दिखाई गई है। और अब बैलेंस शीट के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 9 तक की जो है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये तो थ्योरेटिकल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, रीडर्स चॉइस की ये बुक है और इस बुक में हम शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें मैसर्स गोपाल दास एंड संस का 31 दिसंबर 2019 को आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा गया है। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग यानी आहरण से शुरू है और बैंक अधिवक्ता तक की इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर थोड़ी सी समय योजनाएँ हैं, जैसे शुद्ध लाभ की गणना पूंजी पर 6% ब्याज और संयंत्र पर यानी प्लांट पर 10% ह्रास तथा देनदारों पर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 2,000 रुपये का संचय बनाने के पश्चात की गई है। अब इस सवाल में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, यानी आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर 2019 मैसर्स गोपाल दास एंड संस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट पर ध्यान देंगे। फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट। सबसे पहले इस फॉर्मेट पर आपको नज़र गड़ानी है, बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स गोपाल दास एंड संस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, इसको लिखना है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको फॉर्मेट में लाइबिलिटीज रुपीज़ और एसेट्स रुपीज़ लिखना होगा। इसके बाद हम सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड से चलेंगे। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम पूंजी लिखते हैं, कैपिटल 50,000 रुपये है यहाँ पर और शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 23,000 का है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 12,000 रुपये का आहरण है, इसको घटाएंगे और 6% इसी पूंजी का ब्याज है 50,000 का 3,000 रुपये। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, पूंजी ये रहा 50,000 रुपये, नेट प्रॉफिट 23,000, 73,000 रुपये हो गए। ड्रॉइंग 12,000 का है, इसको घटा देते हैं, आहरण को 61,000 रुपये हुए। इसमें हम पूंजी का ब्याज, इसी पूंजी का ब्याज बोला गया 6%, तो 50,000 × 6/100 करेंगे, 3,000 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, पूंजी जो पूंजी होती है उसका ब्याज उसमें जुड़ जाता है। तो अब ये 64,000 रुपये टोटल, 64,000 यानी 64,000 रुपये पूंजी हो चुकी है। इसके बाद जैसे कि हमने फॉर्मेट आपको बताया हुआ है शुरुआत की वीडियो में, उसमें लिखा है, उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, लेनदार यानी क्रेडिटर्स। तो इन तमाम जानकारियों में अगर देखेंगे तो लेनदार ये रहा जो कि 20,000 रुपये का है, अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटी है, यानी 15,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट, वेतन 1,000 का और 20,000 रुपये का लेनदार, इन तीनों को और लिखेंगे। तो सवाल में आप देख रहे हैं ये रहा क्रेडिटर्स 20,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1,000 रुपये का। तो यहाँ पर अब ये बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है ये पूरा हो गया। अब चलते हैं एसेट्स की ओर यानी संपत्तियों की ओर। संपत्तियों में सबसे पहले प्लांट, बिल्डिंग ये लिखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे बिल्डिंग है 25,000 रुपये, प्लांट है 10,000 रुपये। तो सबसे पहले प्लांट देखेंगे, 10,000 रुपये हमने लिखा है, लेकिन इसी प्लांट में यहाँ पर 10% ब्याज बोला है ह्रास काटने के लिए, डिप्रिसिएशन। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है, इसका मतलब है 10,000 रुपये के प्लांट में 1,000 की घिसावट हो गई, ह्रास हो गया, 9,000 का प्लांट बचेगा। इसके बाद भवन, बिल्डिंग है 25,000 रुपये की, बिल्डिंग ये रहा 25,000 यानी 25,000 का,
इसके बाद अगली जो हमारी समायोजनाओं के अनुसार और ऊपर दी गई सूचनाओं के हिसाब से हम जो रकम भरेंगे एक एक करके देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर को लिखा हुआ है 30,000 रुपये, और विनियोग, क्लोजिंग स्टॉक तो ये रहा 30,000 रुपये, विनियोग भी हमारी संपत्ति है तो विनियोग यहाँ पे 10,000 रुपये का दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यहाँ 10,000 रुपये का है। इसके बाद आता है देनदार, देनदार है 25,000 रुपये, लेकिन नीचे कहा गया 2,000 का संचय बनाना होगा। इसका मतलब है कि जो देनदार 25,000 रुपये के हैं उसमें से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए संचय 2,000 का बनेगा, यानी 2,000 रुपये डूबने की संभावना है। तो डेटर्स यहाँ है 25,000 रुपये, उसमें से बैड डेट्स रिजर्व के 2,000 रुपये कट गए तो 23,000 रुपये बचेगा डेटर्स का। इसके बाद कैश और बैंक को ध्यान देंगे, उनको लिखते हैं रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, ये रहा कैश इन हैंड 600 रुपये, और कैश एट बैंक होता है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो कैश इन हैंड 600 रुपये लिखेंगे, कैश इन हैंड 600। इसके बाद आता है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस जो कि यहाँ पर लिखा है 2,400 रुपये का, उसको लिखेंगे। हमारी सारी समायोजनाएं और इन्फॉर्मेशन जो सूचना लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट टोटल पूरी हो चुकी है। अब हम इसका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल 1,00,000 रुपये आएगा। अब आप देख रहे हैं 64,284 और ये 16,000 1,00,000 हो गया, और यहाँ देखेंगे 25 और 9 34,000, 34,10 44 और 30 74,000, 74,000 और 23, 74 और 23 अगर जोड़ेंगे तो कितनी रकम आएगी, 74 23 होता है 97,000, 97,000 में ये 3,000 है तो इसे जोड़ देंगे तो 1,00,000 पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 10 है मात्र 7 मिनट के अंदर तैयार हो गया है, इस प्रकार से आपने इसको देख लिया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 फाइनल अकाउंट का शॉर्ट क्वेश्चन, रीडर्स चॉइस की बुक से है ये, और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 देखा होगा आपने, और क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। इसमें भी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पूंजी पर 6% ब्याज, संयंत्र पर 10% ह्रास है यहाँ पर, और देनदारों पर संदिग्ध और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए 2,000 का संचय, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, यहाँ पर भी मशीन पर ह्रास है, अप्राप्त ऋणों के लिए 500 रुपये का प्रावधान है, पूंजी पर ब्याज है। उस क्वेश्चन में भी आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा है और इसमें भी आर्थिक चिट्ठा बनाने की बात कही गई है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट में आना होगा बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, कॉलम तैयार होने के बाद सबसे पहला काम होगा पूंजी लिखने का, पूंजी यानी कि कैपिटल 50,000 है, इसमें हम शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे जो कि 82,049 रुपये का है, इसे जोड़ेंगे और आहरण घटाएंगे, देखेंगे तो यहाँ आहरण है नहीं, जब आहरण नहीं है तो हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसी लाइन में चलेंगे, पूंजी के बाद आगे क्या है, यहाँ पर है संचय कोष रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड है 2051 का, इसको लिखेंगे रिजर्व फंड का अमाउंट जो है 2051, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देनदार है आदत्त बीमा, आदत्त बीमा ये हमारी लाइबिलिटी है 3,000 रुपये का, और ये लेनदार 25,000 रुपये ये भी लाइबिलिटी है, दोनों को लिखेंगे, क्रेडिटर्स 25,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा है हमने, और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस जो अभी हमने 3,000 पढ़ा है, आदत्त बीमा ये हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ब्याज को हम कैपिटल के अंदर यानी कैपिटल में जोड़ देते हैं, लेकिन अगर नहीं जोड़ा है तो उसको अलग से भी लिख सकते हैं। 50,000 की पूंजी है, इसका 5% ब्याज 2,500 रुपये लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 रुपये, ये ब्याज यहाँ पर भी जोड़ा जा सकता है, अगर यहाँ नहीं जुड़ा है तो अलग से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड का पूरा अमाउंट लिखा जा चुका है। अब चलते हैं एसेट्स की ओर। एसेट्स में सबसे पहले प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन चार फिक्स एसेट्स को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है मशीनरी 80,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर
6% ह्रास बोला गया है। तो 80,000 का 6% 4800 रुपये होता है, और 4800 घटाने के बाद जो संपत्ति मशीन की बचेगी वो 75,200 रुपये बचेगी, 75,200 लिख देंगे। इसके बाद अगली समायोजनाओं के और इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जब बनाएंगे तो पूर्वदत्त किराया ये भी हमारी संपत्ति है, रोकड़ 900 रुपये ये संपत्ति है, बैंक में रोकड़ ये भी संपत्ति है, और देनदार ये भी संपत्ति है, लेकिन इस देनदार में से 500 रुपये को पहले घटाएंगे। तो हम सबसे पहले देनदार को लिखते हैं, फिर पूर्वदत्त किराया, रोकड़ बैंक में, रोकड़ हाथ में, और अंतिम रहतिया 35,000 रुपये, इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर डेटर्स हैं 45,000 रुपये के, उसमें से 500 रुपये का ये जो अशोध ऋण है इसको घटा देंगे। देनदार यहाँ पे हैं 45,000, 500 रुपये का अशोध ऋण घट जाएगा, क्योंकि जो देनदार होते हैं ये हमारे ग्राहक हैं, हमारा ग्राहकों पर 45,000 रुपये बकाया है, लेकिन 500 रुपये उसमें से डूब चुके हैं, तो 44,500 रुपये ही देनदार बचेंगे। इसके बाद आता है अंतिम रहतिया, इसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही पैसा भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। अंतिम रहतिया है 35,000 रुपये। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 6,900 रुपये है, तो 6,900 रुपये लिख दिया। प्रीपेड रेंट यानी पूर्वदत्त किराया, पूर्वदत्त के रूप में कुछ भी लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो, समायोजनाओं में हो, पूर्वदत्त को हमेशा एसेट्स की ओर ही लिखेंगे। अब हम दोनों का टोटल करेंगे, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो 1,64,600, और इसका टोटल भी 1,64,600 ही आएगा। इस प्रकार से ये दोनों तरफ की बैलेंस शीट में देखेंगे टोटल एक जैसा आ चुका है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आपने देख लिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लॉन्ग पर जब पहुँचते हैं तो हमें शॉर्ट क्वेश्चन से ही लॉन्ग पर जाना होता है। अगर हम छत पर चढ़ना चाहते हैं तो पायदान की पहली सीढ़ी पर पैर रखना बहुत अनिवार्य होता है, अगर हम वहाँ पर मजबूती से पैर नहीं रखेंगे तो हम ऊपर नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार से फाइनल अकाउंट की ये पहली पायदान है, जहाँ पर मजबूती होना और आपका दृढ़ संकल्पित होना और आपको बहुत अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन मजबूत हो गए तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 11 यानी प्रश्न संख्या 11 आसानी से समझ लिया है। अब आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 जैसा इसमें किसी प्रकार की समायोजना नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन से ही हम लॉन्ग क्वेश्चन को मजबूती दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में स्टार्ट करेंगे। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले पूंजी आता है, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं और ड्रॉइंग को घटाते हैं, इन तीन अमाउंट को आपको सबसे पहले लिखना होगा। पूंजी 1,55,000 का यहाँ दिया हुआ है, और शुद्ध लाभ वो है 22,000 रुपये का, इन दोनों को जोड़ेंगे, और उसके बाद आहरण की रकम 12,000 की है, इसको घटा देंगे। ये दोनों जोड़े गए और आहरण सबसे पास घटा देंगे, इसके बाद में 1,65,000 रुपये, यानी कि 1,55,000 रुपये में हमने नेट प्रॉफिट जोड़ना है, उसके बाद ड्रॉइंग को घटाना है, जो रकम प्राप्त हुई 1,65,000 की आ गई है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अगली रकम, समायोजनाओं को ध्यान देंगे तो समायोजना इसमें है ही नहीं। बैंक अधिविकर्ष 15,000 रुपये है, जो हमारे दायित्व पक्ष के आइटम हैं, लायबिलिटीज हैं, बैंक अधिविकर्ष 15,000 यहाँ देखेंगे शुरू से एक एक करके, तो आदत्त व्यय 5,000, लेनदार 45,000, तो एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, आदत्त जो बिल्स पेबल है देय बिल 10,000, क्रेडिटर्स जिसे हम लेनदार कहते हैं 45,000, आदत्त व्यय 5,000 रुपये का है। ये चारों रकम आप यहाँ देखेंगे तो एक एक करके आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आदत्त व्यय 5,000 रुपये, लेनदार 45,000 रुपये, इसके बाद देय बिल 10,000 रुपये, बैंक अधिविकर्ष 15,000 रुपये, ये चारों रकम
दायित्व पक्ष में आते हैं और इनको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसके बाद हमारी संपत्तियों का नंबर आता है, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन्हें हम पहले लिखते हैं। तो पहले प्लांट लिखेंगे, प्लांट की जो रकम है वो सवाल में देखेंगे, संयंत्र 60,000 का है। उसके बाद फर्नीचर है, अगली हमारी जो संपत्ति है 10,000 रुपये, ये रहा। हमारी अगली संपत्ति है ख्याति 70,000 रुपये, तो 70,000 रुपये लिखेंगे। पहले हम स्थायी संपत्तियों को ही लिखते हैं, उसके बाद विनियोग लिखते हैं। विनियोग है 25,000 रुपये, फिर अंतिम रहतिया लिखते हैं। तो विनियोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 25,000 रुपये, अंतिम रहतिया भी 25,000 रुपये का ही दिया हुआ है, उसको हम यहाँ देख सकते हैं। व्यापारिक रहतिया एक ही है, तो ये अंतिम रहतिया ही यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देनदार, जो कि यहाँ पर दिया है 35,000, रोकड़ यानी कैश 6,000 रुपये, तो देनदार ये रहे 35,000, कैश 6,000, प्राप्य बिल ये भी हमारी संपत्ति है 9,000 रुपये का, ये रहा। इसके अलावा यहाँ पर हमने सारी संपत्तियों और दायित्वों का इस्तेमाल कर लिया है। ध्यान रखेंगे, आर्थिक चिट्ठा बनाते समय आपको फॉर्मेट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। मोस्टली मैं बच्चों को फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ कि भाई फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर फॉर्मेट आपका मजबूत नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, ना ही बैलेंस शीट बना पाएंगे और ना ही ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएंगे। ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनको बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा फॉर्मेट होना बहुत आवश्यक है। ये फॉर्मेट है जो कि मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में बना करके आपको बाकायदे दिखा चुका हूँ, और उसी के फॉर्मेट के मुताबिक आपकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। सभी बैलेंस शीट के आइटम्स को हम इसी रूप में डाल रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। ये फॉर्मेट आप जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसका जब टोटल करेंगे तो दोनों तरफ आपका 2,40,000 रुपये और इधर का टोटल भी 2,40,000 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, दिमाग का प्रयोग करें, मैनुअली सवाल को जोड़ें, सवाल को घटाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस मस्तिष्क के तौर पर डेवलप होगी और आप कैलकुलेशन को मजबूत बना पाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी शॉर्ट प्रॉब्लम्स जो है देखेंगे आप ध्यान से, तो रीडर्स च्वाइस में क्वेश्चन नंबर 12 पर हमारे शॉर्ट न्यूमेरिकल जो है समाप्त हो गए। अब लॉन्ग न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आता है, लेकिन इसमें समायोजना नहीं दिया गया है, लेकिन इसके आइटम बहुत सारे दे रखे हैं। तो अगली वीडियो हमारी जो आने वाली है वो शॉर्ट क्वेश्चन के बजाय लॉन्ग क्वेश्चन की होगी, और उसको हम क्वेश्चन नंबर 1 से एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे।